लाइफ ओवरनाइट चेंज होती है, मैं मानता हूँ, बट ओवरनाइट चेंज होने के लिए लाइफ के लिए भी बहुत सालों की मेहनत लगती है। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेके सुधरना और बिगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं करता है। Hi guys, I'm Pratik Sahajpal. Hi guys, I'm Prerna Sahajpal. And you're watching us on Telly Masala. ये साल बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत अच्छा रहा। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट या इट वॉज अ ग्रेट ईयर। इसका बिग बॉस था, खतरों के खिलाड़ी था, एंड ही नागिन, ही मेड अस सो प्राउड दिस ईयर कि मतलब आई कैन ओनली काउंट आवर ब्लेसिंग्स, थैंक गॉड फॉर इट। ये लाइफ ओवरनाइट चेंज होती है, मैं मानता हूँ, बट ओवरनाइट चेंज होने के लाइफ के लिए भी बहुत सालों की मेहनत लगती है, बहुत सालों का परिश्रम, मेहनत, भरोसा, बिलीफ एंड सब कुछ लगता है। एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छा है। एंड थैंक गॉड, हमेशा से खुश था, हमेशा से खुश रहूँगा और खुश हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ऑलवेज, मैं बिलीव करता हूँ। 2022 जो है, इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर मी, एंड सो आई हैव वर्क्ड हार्ड, एंड जेन्युइनली मेहनत करने के बावजूद भी सब कुछ मिला तो बहुत अच्छा रहा, टच वुड। एंड आगे और बेहतर हो रहा है, बहुत और बेहतर हो रहा है, और बेहतर हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ, मिरेकल्स आर हैपनिंग एंड मिरेकल्स आर हैपनिंग। भाई मुझे लगता है हर एक दिन, हर एक मोमेंट एक हाई पॉइंट रहा है, एंड सब भी हाई है, सब अच्छा है, सब परफेक्ट है। मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ कि सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है, एंड वही है भाई, सब हाई पॉइंट है। लो कुछ भी नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता। देखो कभी इमोशनल भी होते ना हम, तब भी वो लो नहीं होता। एंड कभी अगर हम कुछ भी होता ना भाई, बुरा कुछ नहीं होता, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि पजल जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसका एक भी हिस्सा अगर मिसिंग होता है ना, तो फिर वो पजल कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हर चीज़, एक एक कोना उस पजल का बहुत ज़रूरी है, लाइफ का एक एक पहलू, एक एक कदम बहुत ज़रूरी है। एंड अगर वो नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी जैसी है। भाई मैंने हमेशा से ये बिलीव किया कि सब परफेक्ट है, सब अच्छा है, एंड उसी हिसाब से मैं चलाऊँ कि एवरीथिंग इज़ मिराकुलस एंड मिरेकल्स ऑलवेज हैपनिंग, मिरेकल्स आर हैपनिंग राइट नाउ, एंड उसी हिसाब से मैं उसी माइंड जोन से चलाऊँ, तो आई थिंक इट हैज़ मेड माई लाइफ ईजी लाइक दैट, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि सब परफेक्ट है। रियलिटी शो भी कर लिया, एक्टिंग भी कर लिया, म्यूजिक वीडियोज़ भी कर लिया, जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है, एंड करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा है इनफैक्ट यार, बहुत कुछ। मतलब कुछ भी, जो भी जीती जागती चीज़ है, एनिमल्स हैं या जो भी है, उनकी तरफ हमें प्यार और कंपैशन, जितना प्यार कर सकते हैं, जितना उनके लिए हम कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने सीखी है। एंड जितना हो पाता है, मैं मतलब आई एम वेरी क्लोज टू ऑल द एनिमल्स, तो मतलब मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, मैं आए दिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखती हूँ जो एनिमल्स को हर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आई वुड रियली वांट टू से कि ये सब करना बंद कर दो, बिकॉज ऊपर वाला सब देख रहा है एंड उनमें भी जान है, सो प्लीज़ लेट्स ऑल लव ईच अदर, कंपैशन। बहुत फिल्में देखी हैं भाई, सारी अच्छी लगती हैं हमें तो यार, एक्चुअली अभी इस साल में तो बहुत फिल्में देख ली साथ में यार, तो सारी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली भेड़िया देखी थी, भेड़िया अच्छी थी। भेड़िया इज अ गुड मूवी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा उसमें, यही जैसे एनिमल्स के बारे में बता रही हूं, बहुत अच्छी सीख दी है उसने, नेचर को प्रोटेक्ट करना, राइट। सो एवरीबॉडी मस्ट वॉच इट। सारे गाने प्रतीक से, मैंने जो गाने किए सारे मेरे को मेरे अच्छे लगते हैं यार, एक्चुअली। नागिन देखा है, बिग बॉस देखा है, बिग बॉस ओटीटी देखा है, और खतरों के खिलाड़ी थोड़ा बहुत देखा था जब तक मैं था, उसके बाद नहीं देखा। नागिन जिस में प्रतीक होता है, मतलब मैं कभी भी वो इंसान नहीं हूँ जो सीरियल या टीवी देखती हो, बट जिस में ये है वो तो मैं डेडिकेटेडली देखती हूँ। जस्ट मूविंग विद द फ्लो ब्रो, एंड हमेशा से मैं मूविंग विद द फ्लो के हिसाब से चलता हूँ, आई ऑलवेज मूव विद द फ्लो, एंड यही बिलीव करता हूँ कि जो है, जो जैसे है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने अपने आप को सौंप दिया यूनिवर्स को, आई नो द बेस्ट इज हैपनिंग, और जो हो रहा है परफेक्ट। यार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कभी कोई फॉलो कर ही नहीं पाता एक्चुअली, जो लोग बनाते हैं ना वो कभी नहीं फॉलो कर पाते भाई, तो इसलिए मैं तो बनाता ही नहीं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। जो है सुधरना है तो भाई पूरा साल है, कभी भी सुधर जाओ, बिगड़ना है तो पूरा साल है, बिगड़ जाओ। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेके सुधरना और बिगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं करता है। मैं तो खुद यही बोलती हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो इंसान बनाता है कभी पूरे नहीं होते, सो आई थिंक कुछ नहीं होता ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जब जागो तब सवेरा। खुद में पहले, सबसे पहले तो मैं ये चेंज चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँ। मैं सुबह 4 बजे सोती हूँ, दोपहर को 2 बजे उठती हूँ, सो आई रियली वॉन्ट टू चेंज दैट। एंड बट नॉट ऑलवेज, नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझने लग गई है जब से मैंने इसको समझाया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिम्मेदार हो गई है। ओके हाँ भाई, हाँ ये मतलब ये मेरा छोटा भाई नहीं है, ये अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द भी निकल गया ना जो ये नहीं चाहता कि मैं बोलूं, तो ये उसको भी चेंज कराएगा, ये ऐसा है। और भाई काफी सब चेंजेस आ गए हैं एक्चुअली। किसमें? लाइफ में, हमारी घर में, फैमिली में। बहुत बहुत शुक्र गुजार है ऊपर वाले का, एंड ऑफ कोर्स हमारी मम्मी ने बहुत साथ दिया है, और मतलब उन्होंने, अगर हमने उनको ये बोल दिया कि हमें ये करना है, उन्होंने कभी इफ और बट नहीं लगा उस चीज़ पे, नेवर, शी ऑलवेज सपोर्टेड।
तो टू ऑल द प्रतीक फैम, एंड जो लोग प्रतीक फैम के हिस्सा नहीं भी हैं या पूरी दुनिया के जो भी हिस्सा हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो भी हिस्सा है, सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम हासिल ना कर पाओ, सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस बिलीव करना सीखो। बस मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सबको प्यार करो एंड बी कंपैशनेट, और सब अच्छा अच्छा करो तो अच्छा अच्छा ही होगा। वेरी हैप्पी न्यू ईयर।